भाई अभी अभी एक नई रील वायरल हो रही है, एक नीरज गोयत नाम का बंदा है, जेक पॉल को फाइटिंग के लिए चैलेंज दे रहा है कि भाई बॉक्सिंग के लिए इंडिया मैं, से बॉक्सिंग हाँ इंडिया इंडिया का बंदा में है, गया एमएमए। बॉक्सिंग के लिए। ओके, मैंने एमएमए में तो देखा था, एमएमए में तूने ध्यान हो तो एक अंशुल जुबली नाम से, बट एमएमए में अंशुल जुबली है। हाँ भाई वो बंदा यार अभी तक जब रहा था मैं वो अनडिफिटेबल रहा था, बट उसकी अभी जो लास्ट अभी फाइट गई अभी है वो लास्ट इसमें उसमें यूएफसी में फाइट करी है ना डिफीट उसने, हुआ है वो। हाँ उसमें उसमें हार गया है। बाकी काफी बंदे ट्रोल कर रहे थे कि इंडिया आया हार गया, बट ये देखो भाई वो पर बंदा अगर अभी तक तुम अनडिफिटेबल रहा है, और उसका मैच भी काफी अच्छे जा रहे थे मेरे ख्याल से। मैंने कुछ देखा था उसके क्लिप कि हाँ लास्ट में ही वो बस हारा था। हारा था अभी तक, पर तुम देखोगे हबीब एक ऐसा रेसलर है जो एमएमए में अभी तक अनडिफिटेबल है, और उसने अभी तक अपना मेरे ख्याल से संन्यास भी ले लिया है, बट कह नहीं सकते इनका फाइट में वापस आता है या नहीं आता, बट उनने संन्यास ले लिया। वो अभी तक का ऐसा रेसलर है जो कोई डिफीट ही नहीं कर सका उसे। और ये जो अंशुल जुबली है भाई, ये उसी से इंस्पायर्ड है। हाँ कहता है भाई कि बनना है तो उसके ऐसा बनना, उसी से फाइट करनी है, हबीब उसको के साथ। उसको उसको हराना है। हाँ तो मैं भाई बता रहा था, जो नीरज है उसने भाई उसको चैलेंज किया कि भाई आजा भाई आजा, देख लेते हैं भाई, तू अमेरिका से है, मैं इंडिया से हूँ, देख लेंगे उसको, तो मैं हरा दूंगा, दम है तो भाई असली असली फाइटर से लड़ के देख, तूने यूएफसी वालों से लड़ लिया, एमएमए वालों से लड़ अच्छा, लिया। हाँ वो सब में ये लड़के कहता है। चुका हाँ है। और भाई बंदे का रिप्लाई भी आता है जेक पॉल का, रिप्लाई में पता है क्या करता, क्या कहता है वो, कहता है भाई तू 150 पाउंड का तो है, 60 केजी, अच्छा तुझे तो मैं एक हाथ बांध के अपने एक हाथ से ही पर यार मारूंगा। एक रियलिटी, जेक पॉल, जेक पॉल, जेक पॉल बोलता है जो एक बाहर का रियलिटी बंदा है। बताऊं, बाहर के जितने भी फाइटर हैं वो इंडियंस को ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। भाई वही तो। और तू क्या सोच रहा है कि भाई क्या क्या लगता है, जेक पॉल और नीरज की फाइट हो पाएगी? हो सकती है इन फ्यूचर, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, बट ये कह सकते हैं हम कि क्या कहते हैं, फाइट का रिजल्ट नहीं बता सकते कौन, क्योंकि जो तू बता रहा है फाइटर वो क्या पता नीरज से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस, जो तो इन चीज़ों में ना मोस्टली एक्सपीरियंस काम आता है। कि भाई अगर मान ले ये जैसे नीरज है और जेक पॉल है फाइट करते हैं, तो क्या रहेगा सीन, कहाँ कहाँ क्या ये सही रहेगा, फायदेमंद रहेगा, क्या रहेगा? वो जो जैक पॉल है उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, मिलियंस में मिलियंस में है। हाँ तो वो यही कहेंगे भाई कि क्या पता नीरज भी ये सोच के कर रहा फाइट कि भाई थोड़ी भाई देखो, फैन फॉलोइंग बढ़ जाए मेरी हाँ भी। ये बट भी वो नहीं चलता है, है, कंट्रोवर्सीज का भी पर मैं सीन कहूँगा चलता है देख कि भाई इंडिया में कि बड़े अगर, बंदे से कंट्रोवर्सी कर लो तो तुम्हारी भी हाँ फॉलोइंग बढ़ जाएगी, मैं बेशक से तुम्हारी तुम्हारी बेस रीच बे काफ़ी बे हो जाएगी उसमें। बे मैं कहूँगा यार अगर देख ये फाइट अगर उससे हार जाता है ना, इंडिया में ट्रोल बंदे इतना करते हैं ये डिप्रेशन में ना चले जाए। वो भी है। पर मैं बताऊँ क्या, अगर हाँ फाइट ये पॉइंट पर बढ़िया है, ये ना मैं इधर यही भाई बोलूंगा कि नहीं यार, मगर भाई इंडिया के बंदे ऐसे भी हैं, अपने इंडियंस को ना काफी सपोर्ट भी करते हैं इस चीज को लेके ना, कि सपोर्ट, भाई भारतीय है। भाई देख वो सब जो सीन है वो तो है, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, अगर फाइट होगी तो क्या क्या बेनिफिट होगा? हाँ जो इंटरनेशनल एथलीट्स का सीन होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा पूरा, मतलब जैसे कहते हैं ये जब फाइट करेंगे तो फिर और भी बंदे होंगे जो कि और ना किसी से फाइट करना चाहेंगे, वो भी ओपन होंगे कि भाई चलो बाहर के बंदे ने फाइट एक्सेप्ट करी है, हम भी किसी को चैलेंज करते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसी नहीं फालतू में नहीं, मतलब फालतू में नहीं। जो हाँ मतलब जो जो अच्छे खासे, एक्चुअल, हाँ हाँ जो अच्छे लेवल पे है। अच्छे लेवल पे हैं जो कर सकते हैं वो। अब भाई देख इससे क्या होगा, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन जो होते हैं हाँ वो उसमें हेल्प मिलेगी, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को और ज़्यादा ग्रो करने की, ताकि भाई तू, और देख हरियाणा है भाई, हरियाणा में तो तुझे पता है सारे एथलीट है, सारे एथलीट है वहाँ के, तेरा कौन कौन है, जैवलिन थ्रो वाला भी वहीं नीरज का है चोपड़ा, वहाँ से भाई, एक से एक से बजरंग एक पुनिया, से एक नीरज गेम्स, चोपड़ा। हरियाणा तो भाई जगह ही ऐसी, एथलीट्स वहाँ से इतने निकलते हैं भाई, तुम ये देखो भाई वहाँ से क्या, वहाँ से बॉक्सर्स निकलते हैं, फाइटर, रेसलर, जैवलिन थ्रोवर, ये तरह आर्मी वेटरन्स वगैरह, आर्मी वाले इतने सारे बंदे। बया हाँ बयानपुरिया, बयनपुरिया, हाँ ठीक है भाई, बयानपुरिया। हाँ, देखो भाई अंकित बयनपुरिया भी वहाँ का है, और तुम्हें पता है भाई वो भी बंदा बॉक्सिंग की तैयारी करता है, बॉक्सिंग रेसलिंग 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 की तैयारी करता है वो भी। ओके भाई उसने मोदी जी के साथ कोलैब कर रखा है, इतने बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ में कोलैब कर दिया उसको, तो भाई 75 डेज का, 75 डेज हाँ के अंदर ही उसके मिलियंस हो गए। भाई 75 डेज का जो उसका हार्ट चैलेंज था, 75 डेज हार्ट चैलेंज, वो इतना इतना पॉपुलर हो गया भाई, जो जितने भी तुम बहुत सारे यूट्यूबर्स देखो, कोई अलग अलग अपने 75 डे हार्ट चैलेंज चला रहे हैं, कोई अपना बिजनेस के लिए कर रहा है, कोई अपना किसी चीज़ के लिए कर रहा है, कोई कुछ सीखने के लिए कर रहा है, कोई बॉडी हाँ बिल्डिंग के लिए कर रहा है, बहुत वो वायरल चल रहा है, मतलब सही सही हो गया। अभी अभी उसने एक वीडियो अपलोड करी जिससे भाई काफ़ी बंदे उसको मतलब
लाइक कर रहे हैं, यू कैन से कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दे रहे हैं अंकित ब्यापुरिया को। क्या वीडियो उसने क्या? अभी अभी उसने बताया कि भाई अभी उसने पांच बहुत सारे ब्रांड डील्स को रिजेक्ट किया है, जिस जो वर्थ करते 5 करोड़ से भी ज्यादा। हाँ, की बताया था मैंने। उसके अंदर कहता है भाई कि ये तुम्हारा गैम्बलिंग एप्स वगैरह और ऐसी खाने की चीजें जो भाई जो कि भाई मैं खुद भी नहीं खा सकता, तो मैं भाई तुम लोगों को थोड़ी सजेस्ट कर सकता हूँ। भाई अक्षय कुमार था जो कहता था कि मैं कभी तंबाकू का गुटखे का ऐड नहीं करूंगा, वो भी बिक गया। भाई वो भी ये तो बताओ, फिर वो भी भी बहुत कर छोटा गया। क्रिएटर है, उसके सामने देखा जाएगा। फिर भी भाई बंदा नहीं कर रहा। कि उसी ने एक और वीडियो बनाई थी कि भाई हरिद्वार में क्या, तो वो जैसे शर्टलेस घूम रहा था सर, तो फिर काफी बंदे उसे ट्रोल कर रहे थे ऑनलाइन कि भाई शर्टलेस घूम रहा है हरिद्वार जैसी जगह पे, वहाँ पे इतने ऋषिकेश पे में, इतना ऋषिकेश में, ऋषिकेश हरिद्वार से ऋषिकेश में जी, रहता है वो ज्यादातर। ऋषिकेश में, कि भाई कि इतनी पवित्र जगह है तो शर्टलेस घूमता रहता है। तो फिर भाई उस वीडियो के अंदर ही फिर दिखाता है कि भाई देखो तुम मुझे कह रहे हो शर्टलेस घूमता हूँ मैं, यहाँ पीछे देखो बंदा वहीं पे जो गंगा है क्या, गंगा के किनारे पे बंदा बैठ के सिगरेट पी रहा है। वीडियो वीडियो दिखाता है, कहता भाई तुम इन्हें क्या बोलोगे, इन्हें तो कुछ बोलोगे दारू पी नहीं। रहे, सिगरेट हाँ पी दारू रहे। पी रहे, सिगरेट पी रहे। तो फिर यार तुम्हें पता है हरिद्वार में एक कंकल नाम की जगह है, उसमें क्या है। हाँ कंकल कंकल नाम की जगह है, उसमें क्या है, वहाँ के जो एंसेस्टर है उन्होंने बताया कि वहाँ काफी सारा ना खजाना गड़ा हुआ है। खजाना गड़ा हुआ, तो वो निकाला निकाला किसी ने मतलब। अभी तक तो नहीं पर सुना है, हाँ सिटी के नीचे भाई बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, उस सिटी के नीचे। सिटी के नीचे मुझे तो बस ये पता बहुत ही था। सारा खजाना गड़ा हुआ है। और भाई उस वो खजाना गड़ा हुआ कोई बात नहीं, पर भाई अभी तक किसी ने उसे निकालने की कोशिश नहीं करी है। पता है क्यों? क्योंकि भाई वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई ये श्रापित खजाना है, किसी ने भी अगर इसे निकालने की कोशिश करी तो भाई पूरी सिटी कोलैप्स हो जाएगी, बहुत ही मतलब प्रलय टाइप का आ जाएगा। हरिद्वार को ऐसे कुछ बोलते मेरे हैं। ख्याल से वो भी तो है, एक जो साउथ में एक टेंपल है, पद्मा पद्मभूषण ऐसे कुछ करके नाम से है, तो नाम उसकी मुझे बात ध्यान कर नहीं आ रहा है रहा। जहाँ पे अभी जो जहाँ पे कोशिश भी कर रहा 7 गेट है था, जहाँ हाँ पे। गेट्स वगैरह जहाँ पे गेट्स हाँ ओपन हुए थे, 6 गेट लेकिन ओपन हुए, लास्ट सातवां वाले ओपन गेट पे नहीं कुछ हुआ। कह रहे थे कि सांप वगैरह हाँ कुछ उसकी बता ना रहे थे। कोई गेट पे कड़ी है, कुंडी है, ना कोई चाबी है, सिर्फ सांप बने हुए, वो गेट बंद है। और देख गेट को देख के भी कोई भी कह सकता है कि बहुत पुराना गेट है वो। वो सारे खोल दिए, लेकिन वही सारे हैं कि सब मना करते हैं इसलिए नहीं खोला। ऐसे ही यहाँ का भी है, ये वाला जो कंखल इलाका है इसके अंदर भी मना करते तो हैं कि भाई गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। हाँ गवर्नमेंट कुछ हाँ एक्शन नहीं लेती इसके भाई, ऊपर गवर्नमेंट क्यों एक्शन लेगी जब इतने सारे यार। जब लोग ना काफ़ी कर रहे ज़्यादा हैं। जैसे कोई चीज़ होती है, क्योंकि भाई हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई कुछ निकलता है तो आगे जाके वो भी होगा ना। बट भाई अगर एक बात बताओ, हरिद्वार एक वैसी जगह है जहाँ मतलब रिलीजियस जगह है, बहुत हाँ सारे भगवान को मानने वाले लोग हैं। अगर वो भगवान को मानने वाले लोग बोल रहे हैं कि यार भाई नहीं करना है यहाँ पे, श्रापित हाँ जगह है, तो फिर भाई तुम्हें पता है इस टाइम पे तो हिंदू हिंदू वगैरह का कितना वो चलता है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का कितना चलता है कि भाई गवर्नमेंट हिंदू रिलीजियस के खिलाफ हो रही है, मना करने के बाद भी यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, खजाना नहीं, खजाना मगर निकालना इस है बारे में इनको। मेरे को लगता नहीं अभी कोई न्यूज़ भी आई है कभी, तो इसके बारे में न्यूज़ बहुत कम आई है, वही तो कि न्यूज़ बहुत गवर्नमेंट को कमी एक है। बार तो एक्शन लेना पड़ता है ना लेकिन कि। मैंने कुछ आर्टिकल्स में देखा है कि भाई वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब रिसर्च करने की कोशिश करी है, या तो लोग मना कर देते हैं या तो फिर उनके साथ भाई कुछ ना कुछ तो होता है कि भाई वो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। पर तुम जैसे देखोगे गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट रिसर्च करेगी भी, क्योंकि अभी तुम जैसे देखोगे धारी देवी टेम्पल जो था, मतलब ये एक तरीके माता से की जो उन्होंने मूर्ति शिफ्ट करके नए टेम्पल बनाया था, उसके बाद केदारनाथ में जो प्रलय आया था वो कहते हैं उसी की वजह से आया था, क्योंकि वो केदारनाथ के जाने रास्ते पे जाने के लिए वो द्वार पे बैठी हुई है माता, उन्होंने सब चीज़ संभाल रखी है वहाँ, तो उन्होंने वापस ले जाके उनको उसी मंदिर में वापस रिकन्स्ट्रक्ट करवा दिया, उसी मंदिर में वापस मूर्ति स्थापित कर दी, तो सब चीज़ नॉर्मल हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो पुरानी चीज़ें रिलीजियस से जुड़ी हुई चीज़ें होगी अब छेड़ेगी आगे के लिए। हाँ अच्छा भाई तुम्हें एक और बात बताऊँ, तो जैसे अभी तुमने मूर्ति का नाम लिया, जैसे अभी अभी मैं एक देख रहा था, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर वीडियो में बता रहे थे कि भाई जैसी कोई अगर नई मूर्ति स्थापित होती है मंदिर में, तो भाई उसको शीशे में उस शीशे में दिखाते हैं ताकि वो मूर्ति शीशे में देखे। पता है क्यों? क्यों? कहते हैं कि भाई जब भी वो मूर्ति स्थापित करते हैं किसी जगह पे, हवन हवन वगैरह करते हैं, तो उस मूर्ति के अंदर ना भाई जान आ जाती है, मतलब जैसे कहते वो तो प्राण हैं प्रतिष्ठा होती है हाँ ना। प्राण प्रतिष्ठा जो होती है, हाँ तो जान आ जाती है। तो वह इतनी मतलब उस तो मूर्ति की आंखों में कोई नहीं देख सकता,
अगर कोई देखेगा तो भाई इतनी ताकत होती है बहुत ज्यादा, तो फिर सबसे पहले पता क्या करते हैं, शीशा दिखा मूर्ति दे। की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और पट्टी खोल के सीधा उसको शीशे में दिखाते हैं उन्हीं की, और शीशा फूट जाता है भाई। भाई अच्छा यार, वीडियो वीडियो है, वीडियो मैं वीडियो भी दिखा इंडिया दूंगा, में अगर तो भाई मैं जाऊं शीशा भाई, कसम से फूट जाता है। और मगर पता है तब तक करते रहते हैं जब तक शीशा फूट नहीं जाता। अगर शीशा नहीं फूट रहा तो मतलब प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं वो अभी सफल नहीं है। इंडिया में अगर मैं कहूँ, देखो साइंस ऐसे ऐसे मिरिकल्स हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है भाई भाई। के एक पास नहीं जैसे तुम देख ऐसे। लो जगन्नाथपुरी टेम्पल। हाँ मैं भी वही कह रहा, उड़ीसा में जो है हाँ भाई, वहाँ का तुम देखोगे तो वहाँ पे कहते हैं कि एक ना जैसे 6-7 हांडियाँ रखते हैं जिनके अंदर चावल पकाए जाते हैं डेली। अब जो सबसे नीचे वाली हांडी है उसको सबसे आखिरी में चावल पकता है, सबसे पहले ऊपर वाले में मतलब वो पकते हैं। बताओ और मतलब ये कैसे हो सकता है? जगन्नाथपुरी टेम्पल का क्या और है, तुम्हारा जो फ्लैग वहाँ है का फ्लैग है। वो हवा के अपोजिट साइड में रहता है, और वो उस फ्लैग का कहा जाता है कि अगर वो फ्लैग डेली चेंज होता है, वैसे अगर वो फ्लैग एक भी दिन चेंज नहीं करा तो वो मंदिर क्लोज हो जाएगा उसके बाद। मंदिर मतलब पूरा क्लोज कर देंगे हो जाएगा क्या? मंदिर क्लोज हो जाएगा ये कहा जाता है पुराने लोगों के मानने से, तो डेली डेली चेंज करते हैं फ्लैग। डेली, और विदाउट किसी सेफ्टी के। एक जो मंदिर के रहते हैं सेवादार, वो ऊपर चढ़ के फ्लैग डेली चेंज ये सही था करते हैं। इसका जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है यार। इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस आज तक भाई, लोगों ने ये भी प्रूफ ही देखा नहीं है कर ना पाया। उसकी, ये कि उसकी डायरेक्शन की जो फ्लैग की है ना वो अपोजिट साइड चलती अपोजिट है, रहता है हवा तुम्हारी लेफ्ट होगी तो वो फ्लैग राइट की तरफ होगा। तो मतलब ये चेक भी करा है लोगों ने, मट्टी करके भी देखा है, हवा मतलब फ्लैग बिल्कुल उल्टी साइड चल रहा है उसके अपोजिट। क्योंकि बद्रीनाथ का कह रहे हैं कुछ साल बाद है ना वो वहाँ पे एक ऐसे पर्लिन आएंगे, जोशीमठ का लैंडस्लाइड भी तो हो रहा है वहाँ, नहीं जोशीमठ से ही तो रास्ता वो जाता जो है। क्या, हाँ वो शिवलिंग, नहीं शिवलिंग नहीं, वो कुछ कह रहे हैं ना कि बद्रीनाथ के धाम के जाने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे परमानेंट, वो पहाड़ एक जो दूसरे से ना वो हो जाएंगे अटैच, कि अच्छा वो तुम वहां जाने वो तो का उसकी बात करेंगे, वो वो किस जो वजह से अभी हो रहा है, वो जो अभी जो वो वो टनल ज्योतिष, वगैरह भी बना लिया, हाँ टनल वगैरह बना नहीं रहे, नहीं जोशीमठ तो के उसकी बात पास। करेंगे, वो जो अभी भविष्यवाणी से हुई है कि जग मंदिर डूब जाएगा नहीं नहीं वो नहीं जो मालिका, है, भविष्य वो मालिका में लिखा नहीं, हुआ है वो वो जो तो। पहाड़ों पे मंदिर है ना बद्रीनाथ जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सारे जितने भी रास्ते हैं जो रास्ते होते हैं ना जाने के वो सारे बंद हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा सीन होगा। अब वो किसके ऊपर था, वो नीचे कुछ टेम्पल वगैरह है उससे रिलेटेड है मेरे को। कभी गए हो केदारनाथ? नहीं यार, मैं जाने का भी तो नहीं बहुत गया मन है केदारनाथ। यार, मैं गया भाई, मुझे मतलब मेरा मानना ये है कि भाई हम जैसे यंगस्टर आज की जनरेशन में जो लोग जा रहे हैं, एक तो लोग यार ज़्यादातर ना कोई धर्म के ऊपर तो जाता नहीं है, वो तो ज़्यादातर है, लोगों को घूमने के पिकनिक स्पॉट बना दिया घूमने एक के तरीके लिए से चले लोगों गए। ने, हाँ मतलब तुम रील्स भी देख रहे हो उस टाइम कितनी ज़्यादा वो हो रही है, लोग रील्स बनाने जा रहे हैं तो। और कई लोग मैंने देखा है कि यार तुम भाई यंगस्टर हो तो तुम भाई अपनी स्टेमिना रख के तुम खुद ट्रैक करके जाओ, मेरा मानना ये है। और यहाँ तुम नहीं जा सकते तो हेलीकॉप्टर से जाओ, मगर भाई ये खच्चर दे, ये वहाँ पे जो खच्चर चलते हैं भाई, तुम देखोगे उनको भाई वो मतलब चार चार पांच पांच राउंड लगवा देते मैंने हैं मैंने हाँ जो। वीडियो देखी है वहाँ की, कि भाई खच्चर वगैरह वहाँ पे भाई मतलब भाई चलते तुम, चलते मर हाँ जाते हैं। मैं तुमने वहाँ पे देखा देखे वो कितना बॉडी तड़प बिल्डिंग। रहे हैं भाई, वो रियल है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि भाई वो मेरे सामने एक खच्चर बिल्कुल बैठ गया था कि भाई इससे आगे नहीं चलूंगा, वो जबरदस्ती मार मार के चलाते हैं भाई, मतलब वो। और फिर उनको ना खाना मिलता टाइम पे ना कुछ, फिर उन्हें यूज होता है कुछ टाइम बाद और तो वो मर भी जाते हैं ये ऐसे चीज ही। एनिमल क्रुएल्टी के उसमें नहीं आती, लेकिन अभी तुम कहीं पे अभी कोई फेमस बंदा जाके कुत्ते को मार देगा, कुत्ते हाँ को छेड़ देगा, तो तो उसके भाई ऊपर उस उसके ऊपर पे एक्शन हो जाएगा, केस हो हाँ जाएगा कि भाई तुमने तो कुत्ता गलत कराया। पर छेड़ अभी मार भी दिया। यार अगर कोई भी कुत्ते को मारता है तो भी इतना कोई केस करवाता ही नहीं है पहली बात तो, नहीं कोई नहीं, क्योंकि अभी मोस्टली लोग अभी पता है क्या अभी सोचते मान लिया, हैं। अभी अभी जो ट्रेंड में चल रहा है ना, जैसे मान ले तेरा एलविस यादव हो गया, UK 07 हो गया, या फिर कोई सेलिब्रिटी वगैरह हो गया, अगर इनमें से अभी तू देख ले इनकी कोई वीडियो ऐसी हो जाए ना कि भाई किसी को वो किसी कुत्ते को परेशान कर रहे, कुछ कर रहे, सीधा इनके भाई ऊपर केस यही जाएगा। यही पता होता क्या है, पता है देख, ये तो क्योंकि ये टारगेट करना है जो इन जो लोग, जो लेकिन फेमस कोई यार यहाँ पे नहीं भाई करेगा। यहाँ पे नहीं बोलेगा कोई भाई, उनकी इतनी हालत बेकार है इस टाइम, तुम देखोगे जाके। बताओ यार, हम जब इंसान एक चक्कर में मतलब एक टाइम पे जाने में उसकी हालत खराब हो जाती है, और वो लोग बताओ तीन पूरा तीन चार पूरा चार चक्कर दिन लगवा रहे हैं उनसे, और ना उनको खाने को मिल रहा ना कुछ मिल रहा भाई, मैंने खुद देखा वो ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं कि भाई नहीं इससे आगे नहीं चला जाएगा भाई, तुम इस तरीके से उनकी हालत हो जाती है। और फिर वहाँ पे कई लोग हैं कि अपने भाई पीठ पे, तुमने केदारनाथ की एक फिल्म आई थी उसमें भी देखा होगा कि
पीछे वो टोकरी सी होती है उसमें बैठा के लेके जाते हैं। भाई हाँ, सोचो हमसे खुद अपना वजन लेके नहीं चला जाता, वो लोग बताओ एक इंसान को पीछे बैठा के लेके जाते हैं ऊपर तो लेके जाने कह रहा है कि भाई कि भाई बंदा अकेले जाने में थक जाता है। भाई लोग बताओ क्या कहते हैं तुम्हारा इतना वजन कि तुम वजन कम से कम लेके जाओ, भाई खाने पीने का तुम ऊपर खरीद लो क्योंकि तुम्हारे से चला नहीं जाएगा। अब तुम ये सोचो जो बंदे अपने पीछे 60 किलो का बंदा उठा के लेके जा रहे हैं, लोग उनसे नेगोशिएबल करते हैं कि भाई ये कर ले इतने कर ले, भाई वो तुम ये देखो कि तुम्हारे को लेके जा रहा है, तुमसे खुद नहीं चला जा रहा तो तुम उसे क्यों नेगोशिएट कर रहे हो। वो बंदा इतना तुम्हें बताओ पीठ पे लेके जा रहा है, कोई 60 किलो का जरूरी थोड़ी है भाई, कोई 80 किलो का है, कोई 100 किलो का है भाई, गलत है यार। मैं देखो मेरा मानना ये है, अगर तुम केदारनाथ जा रहे हो, तुम किसी एनिमल के ऊपर चढ़ के जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान तुम्हारी सुनेगा। क्या फायदा भाई यार, मगर मेरा मानना तो यही है ना, इससे अच्छा तो तुम जाओ मत भाई। जब तुम जा ही नहीं सकते अपने पैरों से ही चल के, तो मत जाओ ना, या फिर हेलीकॉप्टर से जाओ। भाई हेलीकॉप्टर की सुविधा है उसमें, मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ हेलीकॉप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और आपको ट्रैक करके जाना है तो फिर आप अपने पैरों से ही जाओ भाई, क्यों किसी का सहारा लेके जा रहे हो। अगर कोई ओल्ड है, कोई बूढ़ा आदमी है, उसके लिए तो चल कोई भाई, ओल्ड भी है तो, बट यार हेलीकॉप्टर भी तो जाते हैं ना भाई, बुकिंग कराओ।